बबरकुआ क्षेत्र में शुक्रवार सुबह टायर के गोदाम में आग लग गई। गोदाम दूसरी मंजिल पर बना था। पहली मंजिल पर टायर मोल्डिंग का काम हो रहा था। आग लगने के बाद गोडाउन में रखी पुराने टायरों ने आग पकड़ ली और धुएं के बादल 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कई टैंकर पानी की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दरअसल भंवरकुआ थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में टायर गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। इससे महा अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया। इससे गोदाम में रखा माल पूरी तरह जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जानकारी में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है। आपको बताते चले कि भंवरकुआ क्षेत्र में टायर मोल्डिंग का काम होता है। बगैर अनुमति हो रहे इस काम में पुराने टायरों को मोल्ड किया जाता है, जिससे क्षेत्र में वायु प्रदूषण भी काफी होता है, लेकिन जिम्मेदार उन दुकानदारों पर कार्रवाई नहीं करते। टायर के आग दुकान में आग लगी थी, सूचना मिली, मैकेनिकल आने के बाद पता लगा कि रिमोट टायर में आग लगी थी। आग लगी तो मालिक से बताया नहीं, पर उसके बाद भी एक साइड मालिक ने उन्होंने बोला कि 60 से भी वायर से आग लगी है, सब बताया। ये रिमोट करते टायर, पुराने टायर को रिमोट करके बेचते हैं। मजे का भी कुछ नहीं है। अभी देखने के बाद पूरी कंप्लीट होने के बाद फिर देखेंगे, फिर कोई जनहानी कुछ नहीं हुई, सब सब बच गए। कोई पानी का अभी तो 2 ही टैंकर मारे हैं, 20-20 हज़ार के चालू है। एक ही दुकान जली नीचे से ऊपर तक है। मेरा आर एस सिंह वाले SP फायर इंदौर, छोटा भाई तुम्हारा। ओके बाय।